मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ बताओ, सब ठीक है? गुरु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है, आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आप। राधे राधे, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, तो कहते हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक नया वीडियो फिर से लेके, श्री अरविंदाचार्य जी के भागवत कथा का। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और इस वीडियो का क्रेडिट श्री अरविंदाचार्य जी को ही जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में भागवत कथा में एक महिला आती है, और वो महिला महाराज जी से बोलती है कि महाराज जी, जब हमने आज तक अपने जीवन में सबके लिए अच्छा ही किया है, तो हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? कुछ ऐसा सवाल है महिला का। महाराज जी बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्नावली है महाराज जी की। तो चलिए वीडियो को वॉच करते हैं लास्ट तक, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ बताओ, सब ठीक है? गुरु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है, आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, यही सवाल है जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? मैं गुरुजी आपकी वीडियोस बहुत देखती हूँ। हाँ। और जो आप बातें कहते हैं मैं उसका पालन भी करती हूँ। मेरी माता जी हैं और मेरे पति की माता जी हैं, वो मेरे साथ ही हैं, और मेरी जो नानी हैं वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। ठीक है। मतलब तीनों माताओं को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, जो उनकी जरूरत होती है वो भी पूरी करती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे यही है कि हर चीज में हर किसी के साथ बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? जी। आम, अभी मौसम आएगा गर्मी में, आम, मैंगो। तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम को अच्छा, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी, सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जो अच्छा है ही नहीं उसके, उस पर कौन उंगलियां उठाएगा, कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता है, ना आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे, जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। माना कि गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है, सब्र रखिएगा। अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा, सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वो गुरुजी मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बद्दुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूं। और सुनो, सामने वाले से ये उम्मीद मत करो, आप सबका भला करो पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है? विचार करके ही अपना, देखो
सबका भला करते रहो, जितने देखो भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पाओ। अब हमारी अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो, देखो हमारे रिश्तेदार आए बोले भैया 5,000 रुपए दे दो, आपने 5,000 रुपए दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भरो, बिजली का बिल था 5,000 रुपए, तो अब आप बोले 5,000 थे वो तो पड़ोसन को हमने दे दिया और अब हमारे पास बिजली भरने, अब बिजली वाले ने बिजली काट दी, अब रहो अंधेरे में। तो भलाई ऐसी भी मत करो कि अंधेरे में चले जाओ, भाई जितनी क्षमता है उतनी मदद करो, बाकी अपना भी देख के चलो। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं कि आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि जितना हम खा सकें और जो हमारे घर आए उसको मैं खिला सकूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जितना हमें राम इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा, इतना देना विधाता कि हम भी भूखे ना रहें और द्वार पे आया हुआ भक्त भी भूखा ना जाए। राधे राधे गुरुजी। संतुष्टि मिली जी? बिल्कुल। अब ना रोना, अब सदा हंसना, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं, भगवान करे आप सदा हंसते रहें। हेलो दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।